कुछ टाइम बाद टोनी के बेटे और बहू के भी एक प्यारा सा बेटा होता है। वह उसे बहुत लाड प्यार से पालते हैं, उसे स्कूल भेजते हैं और उसका बहुत ध्यान रखते हैं। अरे बेटा, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? मम्मी मम्मी, मेरी चोट लग गई। हाय, मेरे बेटे की चोट लग गई, लाओ मैं इस पर पट्टी बांध देती हूँ। जब कभी भी टोनी की बहू के बेटे के चोट लग जाती तो वह परेशान हो जाती। वह खुद खाना नहीं खाती लेकिन अपने बेटे को खिलाती। ऐसे ही 20 साल बीत जाते हैं। 20 साल बाद जब उसके बेटे की शादी होती है। अरे कहाँ चले गए ये दोनों बूढ़े और बुढ़े, इन्होंने अलग दिमाग खराब करके रख रखा है। जाओ जाकर के तुम बर्तन धो और तुम जाकर के पोछा मारो। अरे बहू, तू हमसे इतना काम क्यों करवाती है? हम तो तेरे पति के माँ बाप हैं, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती? हाँ तो कौन सा एहसान किया है आपने? वैसे भी पूरा दिन आप घर पे पड़े हुए करते क्या हो, थोड़ा सा काम कर लोगे तो घिस थोड़ी जाओगे। अरे बेटा, तू ऐसे क्यों कह रही है? माँ जी मुझे मत सिखाइए, जाकर के बर्तन धोइए। बेचारी टोनी की बहू सारे बर्तन धोती है और उसका पति पोछा मारता है। ऐसे ही समय बीतता रहता है। भगवान देखो ना, मेरी आंखें कितनी कमज़ोर हो गई हैं, मुझे अब कुछ दिखता भी नहीं है। ऐसा करो, आप बेटे से कहो, वो आपको सही सा चश्मा बनवा कर दे देगा। ठीक है बेटा। बेटा मेरी आंखों में बहुत तकलीफ है, मुझे चश्मा बनवा दे। क्या पापा, आप भी? मेरी आंखों में बहुत तकलीफ है, मुझे चश्मा बनवा दे, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। बेटा हमने तुझे इतने प्यार से इसलिए पाला था क्या, इस दिन के लिए? अरे पापा, अब मैं घर का खर्चा उठाऊं या फिर तुम्हारा खर्च उठाऊं, एक ही तो हूँ मैं कमाने वाला, और मेरे पास अभी पैसे वैसे नहीं, जब हिसाब किताब होगा तो देख लूँगा। ये कहकर उसका बेटा वहाँ से चला जाता है। अजी, इन बुढ़े बुढ़ियों को आपने घर पर क्यों रख रखा है, इन्हें वृद्धाश्रम क्यों नहीं छोड़ा थे? तुम सही कह रही हो, मैं इन दोनों को वृद्धाश्रम छोड़ाता हूँ। अगली सुबह, मम्मी पापा तैयार हो जाओ, आप लोगों को वृद्धाश्रम छोड़कर आना है। क्या बेटा, हम तो घर का सारा काम करते हैं, तू हमें वृद्धाश्रम क्यों छोड़कर आ रहा है? मम्मी पापा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं आपकी दवाइयों को भी देखूं, आपका खर्च भी उठाऊं, घर का खर्च भी उठाऊं, इसलिए आपको वृद्धाश्रम छोड़कर आ रहा हूं। तू सही कर रहा है बेटा, ठीक है। वे सामान पैक करते हैं और उसका बेटा उन दोनों को वृद्धाश्रम छोड़ आता है। आज मुझे अपने कर्म का फल मिल रहा है, कल मैंने अपनी सास को वृद्धाश्रम भेजा था, आज मेरे बेटे और बहू ने मुझे वृद्धाश्रम भेज दिया। इसमें क्या गलत है, सही तो है ना, जैसा मैंने किया था मुझे वैसा ही मिला। तुम सही कह रही हो, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी माँ को अब घर से निकाल दिया, उसे वृद्धाश्रम भेज दिया, आज मुझे उसी का फल मिला है। अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि जो जैसा करता है उसे आगे वैसे ही भरना भी पड़ता है। एक जंगल में बुलबुल नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। वह अपने चाचा चाची के पास रहा करती थी। उसकी चाची उस पर बहुत जुल्म करती थी। ए बुलबुल, चल पोछा लगा, सारा दिन बस खेलती रहती है, पोछा लगा पोछा, जा मेरे लिए एक कप चाय बना कर लेकर क्या। जी चाची, मैं अभी जाकर आपके लिए एक कप चाय बना कर लाती हूँ। बुलबुल अपनी चाची के लिए एक कप चाय बना कर लाती है। पता नहीं, इसके माँ बाप तो मर गए, मेरे ऊपर बोझ डाल गए, अब इसको भी मैं ही पालूं, एक और जिम्मेदारी बिना फालतू की अपने सर पर लेकर के घूम रही हूँ। क्या हुआ भाग्यवान, क्यों बोल रही हो इतना? क्या बताऊँ, तुम्हारे भाई और भाभी तो मर गए, इस बोझ को हमारे सर पे डाल गए, अब इसको हम पालते रहे, दिमाग खराब कर दिया है, बस सारा दिन पड़ी रहती है। बेचारी बुलबुल किसी से कुछ नहीं कहती और अपने घोंसले में बैठकर रोने लगती है। मम्मी पापा आप क्यों चले गए? ऐसे ही सर्दियों का मौसम भी आ जाता है। एक रात बुलबुल के घोंसले में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती है। वह बर्फ़
साफ करती है, लेकिन बर्फ इतनी तेज होती है कि उसका घोंसला बर्फ से भर जाता है। चाची, मेरा घोंसला बर्फ से भर गया है, मुझे बहुत सर्दी लग रही है, क्या मैं यहाँ आपके घर पर सो सकती हूँ? नहीं, जा करके अपने घोंसले में सो, जितनी भी बर्फ साफ करो सो जा वहाँ पर। चाची, पर मेरे घोंसले की बर्फ मैंने साफ की, लेकिन वो साफ नहीं हो रही है, प्लीज मुझ पे दया करें और मुझे यहाँ पर सोने दे। तुझसे कहा ना, जाकर अपना घोंसला साफ कर। बुलबुल बेचारी वहाँ से आ जाती है और अपना घोंसला साफ करने लगती है, लेकिन बर्फ बहुत तेज पड़ती है, उसके घोंसले में बहुत ज़्यादा बर्फ जमा हो जाती है। वह दोबारा अपनी चाची के पास जाती है। चाची, बर्फ बहुत तेज है, कम से कम मुझे एक चादर तो दे दीजिए सोने के लिए। हमारे पास कोई चादर वादर नहीं है, तेरे बाप ने थोड़ी ना ला करके रखी है यहाँ पर, जा यहाँ से। चाची, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझ पे दया कीजिए, बाहर बहुत सर्दी है, प्लीज मुझे एक चादर तो दे दीजिए। दिमाग खराब करके रखा है, चल निकल यहाँ से। उसकी चाची उसे बाहर निकाल देती है। सुन, अब पूरी रात तू यहीं पर रहना, समझ में आया? बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है, जैसे तुम्हारे माँ बाप तो हमारे लिए बहुत जायदाद छोड़ कर गए हैं ना, यहीं पर खड़ी रहो। ये कहकर उसकी चाची अंदर चली जाती है। बुलबुल बेचारी पूरी रात बर्फ में भीगती रहती है। अगली सुबह, अरे भाग्यवान, सुनती हो? ये देखो, बुलबुल यहाँ पर बेहोश पड़ी है, ये यहाँ पर कैसे आई? अरे ये तो यहाँ पर बेहोश है, ये यहाँ पर कैसे आई, क्या हुआ है इसे? वो रात में इसने मुझसे चादर मांगी थी, मैंने इसे चादर नहीं दी, तो ये मैंने इसे बाहर खड़ा कर दिया, इसलिए ये भीग गई होगी बर्फ में। भीग गई होगी? देखो इसे क्या हुआ है। अरे इसे तो बहुत तेज बुखार है, ये बेहोश हो गई है या ये मर गई है? हे भगवान, तुमने क्या कर दिया, अगर ये मर गई होगी तो पुलिस मुझे पकड़ कर लेकर चली जाएगी, तुम्हारे अंदर अक्ल नहीं है क्या? अरे मुझे क्या पता था, मैंने तो सिर्फ इसे बाहर खड़ा किया था, मुझे लगा कि किसी पेड़ की छाव में बैठ जाएगी, मुझे क्या पता है पूरी रात यहाँ पर भीगती रहेगी। अरे भाग्यवान, ये तुमने क्या कर दिया, मुझे पुलिस केस में फंसाओगी क्या, इसे होश में लाओ। उसकी चाची उसे होश में लाने की कोशिश करती है, परंतु बुलबुल होश में नहीं आती। अगर तुमने इसे होश में नहीं लाया ना तो अच्छा नहीं होगा, देखो इसे कितनी तेज बुखार है, इसे होश में लाओ और इसे दवाई दिलवा कर लेकर जाओ। ए बुलबुल, बुलबुल उठ उठ। हाँ चाची, क्या हुआ है? लो आ गई होश में, जाओ जाकर के इसे दवाई दिलवा कर लेकर आओ, इसे कुछ हो गया तो हम पुलिस केस में फंस जाएंगे। बुलबुल की चाची उसे दवाई दिलवा कर लेकर आती है। रास्ते में वह सोचती है, क्यों ना मैं इस जंगल में ही इसे छोड़ दूँ, अगर मैंने इसे इस जंगल में ही छोड़ दिया तो ये वापस घर भी नहीं आ पाएगी। ये सोचकर वह उसे बीच जंगल में छोड़कर चली जाती है। चाची चाची, मुझे कहाँ छोड़कर चली गई, मैं कहाँ पर हूँ? बुलबुल बेचारी जंगल में बैठकर रोने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर एक सुंदर सा चिड़ा उसके पास आता है। क्या हुआ सुंदर चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? मेरी चाची के साथ में दवाई लेने गई थी और वो मुझे छोड़कर चली गई। कोई बात नहीं, तुम मुझे अपने घर का पता बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास छोड़ आता हूँ। मेरे मम्मी पापा नहीं है, जब मैं छोटी थी तभी मेरे पापा और मम्मी का देहांत हो गया। कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो, मैं भी अनाथ हूँ, तुम मेरे साथ मेरे घर पर रह सकती हो। मेरा नाम बुलबुल है। हाँ बुलबुल, तुम मेरे साथ मेरे घर पर रह सकती हो। ये कहकर वह चिड़ा बुलबुल को अपने साथ अपने घर ले आता है। बुलबुल, तुम इस घर में रहो, तब तक मैं बाहर जाकर कुछ काम करता हूँ। चिड़ा वहाँ से चला जाता है। बुलबुल चिड़े के लिए खाना बनाती है और उसके पूरे घर की सफाई करती है। चिड़ा घर वापस आता है। बुलबुल चलो, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ ले आता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम्हें कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे और अपने लिए खाना बना लिया है। चिड़ा खाना देखता है, वे दोनों मिल करके खाना खाते हैं। कुछ दिन बाद वह चिड़ा बुलबुल से कहता है, अरे बुलबुल, मैं सोच रहा था कि मैं अनाथ पक्षी हूँ और तुम भी अनाथ हो, क्यों ना हम शादी कर लें और अपना एक घर बनाएं और वहीं रहें, अलग घर बसाएं। बुलबुल भी शादी के लिए मान जाती है और वह दोनों शादी करके खुशी खुशी रहने लगते हैं।